बेटा मत मार मेरे बेटे को, अरे बेटा मेरे बेटे को बेटा मत मार मेरे बेटे को, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। जब बोल दिया मुझे कुछ नहीं, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मम्मी क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, चुप हो के भाई है कौन तू यार, अभी बताता हूँ, बैठ यहाँ मेरे बेटे की, भैया मत मार मत मार मेरे बेटे, मेरे बेटे को मत मार। मम्मी क्या हो रहा है, क्यों कॉल है ये, पूजा इधर सुन ले, चुप हो जा। जब वो इधर को इतने प्यार से समझा रही है, तेरे को उनकी बात समझ में नहीं भाई, मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती भाई, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये झूठ बोलेंगी। अब मुझे मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा कुछ होते हुए, मैं विश्वास करूंगा जब ये फिर इनको इनके सच बात बोल रही हूँ, तू मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, नहीं ये झूठ। मम्मी मैंने देखा है, हेलो इधर बात करो आराम से भाई, पहले तो प्यार से बात करो ठीक है, क्यों मार रहे हैं। मैं तुझे झूठ बोलूंगी क्या, मैं तुझे झूठ बोलूंगी, मैंने देखा है मम्मी, वो मेरे साथ करती है ऐसा है, मेरे सामने तो नहीं किया ना आज तक उसने, तेरे सामने क्यों करेगी बेटा, दिन भर मैं करना, जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा जब भी तो विश्वास करूंगा ना। तू घर पे रहता है तो यहाँ पे रहता है हमारे पास, तो बाहर रहता है वहाँ काम के सिलसिले में अपने, तो आप मेरे को बता तो सकते हो, अब तेरे को बता रहे तो जो विश्वास नहीं है तो अपनी बीवी पे, विश्वास नहीं है अपनी वाइफ, मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी वाइफ, मतलब तेरी माँ झूठ बोल रही है, मम्मी झूठ बोलेगी, मुझे नहीं पता, आप झूठ, मैं जब अपनी आंखों से देखूंगा जब विश्वास करूंगा, मैं तुझे झूठ क्यों बोलूंगी बेटा, मेरे को उस पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ, तेरे सिवा मेरा कौन है बेटा, मैं झूठ बोलूंगी, मैं मानता हूं मम्मी मेरे सिवा कोई नहीं है। कितना टाइम हुआ शादी को, 2 साल हो गए भाई, और इन्होंने तेरे को पाला इतना बड़ा किया, ये झूठ बोलेंगे मम्मी झूठ नहीं बोल रही, मैं मान रहा हूँ भाई, मगर मैंने आज तक मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, चुप मार भैया, मेरे को कोई नहीं है मम्मी, आज आप यहाँ पिटवा रहे मुझे किसी से, अभी तो मारे नहीं है, हो जा आंटी, कैमरा लग गया, खुल के बताओ क्या प्रॉब्लम है, ये बेटा मेरा बाहर रहता है, हाँ जी। मैं मेरी बहू हम लोग घर पे रहते हैं, वो दिन भर पता नहीं कौन आता है लड़का है, रात को कौन आता है, दारू पीती है, सारा काम मैं घर का करती हूँ, मुझे मारती है पीटती है, खाने में नहीं देती, वो पूरा दिन घर में लगी रहती है, चुप हो गए, सुन ले अब, गली मोहल्ले वालों से पूछ लेना, सब तेरे को बता देंगे तेरी बीवी क्या करती है और मेरे साथ क्या क्या करती है, और मैं घर में क्या करती हूँ, अभी दिखा देंगे ना तेरे सामने, क्यों करेगी बेटा, एक बार बीच में देख, तू मेरी इकलौती औलाद है, मैं तेरे को झूठ बोलूंगी बेटा, झूठ बोलेगी, तेरी माँ विश्वास है तुझे, मैंने तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा करा, मैं तेरे को झूठ बोलूंगी, मैं तो मान रहा हूँ आप मेरी माँ हो, मगर वो मेरे सामने आज तक उसने ऐसी हरकत कोई करी नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूं, बेटा कोई गलती सामने करता है किसी के क्या, जब मैं ऑफिस जब मेरी छुट्टी होती है पूरा दिन वो घर में लगी रहती है काम में, बेटा मैं कैसे तेरे को विश्वास, तुझे तो उसका पर्दा पड़ा हुआ है, मेरे सामने तो आपकी तारीफ करती है, मम्मी जी इतनी अच्छी है, मैं मम्मी जी की पैर दबा रही थी आज मालिश की है, भाई वो इसलिए अच्छी लगती है तेरे को क्योंकि जब तू आ जाता है वो गिरगिट की तरह रंग बदल देती है, भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने आज तक ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे, मैंने तेरे को समझा रहे हैं, तूने मेरे को शुरू से देखा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, ये झूठ बोलेंगे, मैं तो झूठ बोलूंगी क्या, आप मेरे को पहले बता देते ना कभी ऐसा हुआ, आज बता, कोई भी माँ बाप अपने लड़के झूठ बोल के राजी है भाई, वो तो मैं तेरा भला चाहती हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आप जो ये है, मैं इनकी समझ रहा हूँ, हमारे माँ बाप भी हमसे झूठ बोलेंगे, ये मैं तेरा भला, तेरी गृहस्थी बनी रहे इसलिए मैं तेरे को बता रही हूँ, कि तू देख तेरी बीवी क्या कर रही है, तेरे आगे क्या क्या कर रही है तेरे जाने के बाद, ये तो बहुत अच्छी है वो, एक काम करते हैं आंटी जी, उसको यहाँ पे बुला लेते हैं, भाई उसको बुला लो, अगर आप आज उसकी असलियत सामने आ जाएगी पता चल जाएगा, तो आंटी ये करते हैं उसको यहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक है, ठीक है भैया, कि तू भी यहाँ पे है, ठीक है भाई, ठीक है, और सामने कैमरा लग गया, सब रिकॉर्ड होएगा, ठीक है भाई, ताकि हमारी जो फैमिली है वो भी देखे, आज मम्मी आज आपने बताया मेरी बात, जब तक मैं ना बुलाऊं ना वीडियो के बीच में मत आना, सब देखता रहना कि तू देख लेना ना आज तेरी माँ के साथ क्या क्या होता है, आज उसका फिर फैसला ही हो जाएगा, पता लग जाएगा तुझे, आज फैसला ही कर दूंगा उसका मैं, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आज देख तुझे उस पे विश्वास है ना, दो साल से तेरे पास साथ आई है जो, तभी तो मैं कह रहा हूँ मम्मी मेरे सामने हुआ ही नहीं आज तक, उसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया, बुला लेते हैं आंटी जी, फोन करके बुला लो उसको, ठीक है, दे फोन अपना, इसके पे से नहीं करना है, मेरे से करो आप, इसके पे करेंगे तो मम्मी मैं तो ऑफिस में उसको नंबर बता लो, आप वैसे ही फोन करो, बता दीजिए नंबर बता 9625 04, उसको आज यहीं पे बुलाते हैं हम, फिर करते हैं आपसे बात, हम मिलते हैं उनके आने के बाद। 20 मिनट्स लेटर, ए बुढ़िया यहाँ क्यों बैठी है तू, घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप करेगा, बेटा बैठ तो जा, मैं तुझसे क्या बैठ जा, क्या ड्रामा लगा रखा है, इतनी ठंड में मुझे क्या बुलाया, मेरी बात तो सुन ले एक बार, मेरी बात तो सुन ले, क्या सुनाना है, बैठ तो जा, क्या सुनाएगी, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, कैसा मैंने क्या किया है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, और मतलब तू ये चाहती है मैं तेरे घर में नौकरानी बनकर रहूं,
मेरी बात तो सुन ले, बैठ तो जा, ये घर में कौन कौन आते हैं, मेरा बेटा तो घर पे रहता है नहीं, किस किस को लेकर आती है, ये दारू पार्टी क्या क्या चलता रहता है। बुढ़िया, ये ना मेरा मेरे मामला है, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, बोला ना एक बार समझ में नहीं आता, तेरे को समझ में नहीं आता क्या, हाँ कैसे मानेगी तू, हाँ यहाँ कौन, यहाँ किससे नैन मटक्का कर रही है, नैन मटक्का नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुझे मतलब ससुर के जाने के बाद तू यहाँ पार्क में आती है और अब सोचा कि बहू कैसी बात कर रही है बेटा, तो कैसी बात कर रही है, कैसी बात करूँ मैं, कैसी बात कर रही है, मेरे घर पे मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, पार्टी चलने वाली है, दिन रात पार्टी, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, ऐसे कैसे, तो कोई भी आए, मैं दारू पीऊँ, मैं पार्टी में जाऊँ, घर है मेरा, बाहर नहीं है, मेरा घर है वो, तू बाहर बोलेगी, तू बार बोलेगी कुछ भी करूं मैं ऐसी रहती थी और यहाँ भी ऐसी रहूंगी, मेरे माँ-बाप ने कर्म फोड़ दिए मेरे, जो ऐसी सांस मिली है, मैंने क्या करा है, सारे घर का काम तो करती हूँ ना मैं, तो एहसान कर रही है मुझ पे, जो घर का काम करती है, सारा घर देख तू, मेरा बाप करेगा ऐसा क्यों बोल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ ना चुप रहे, ठीक है, यहाँ पिटवाने के लिए बुलाया बुढ़िया तूने मुझे यहाँ पर, हाँ साइड मैं खुद देख लूंगी, बोला चुप रहे ना, जब बोल रहा चुप रहे, अब टच मत कर, प्यार से बात करो, प्यार से बात कर, फिर उधर जा रही है, ये प्यार से बात करना होता है, चुप रहे फिर, मेरे घर का मामला मैं खुद देख लूंगी, आराम से बोल रहा हूँ ना, आराम से खड़ी रहे, है क्यों मारती है बता, पहले क्यों मारती है वो बता, चुप क्यों मारती है वो बता, मैं कुछ भी बता 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 जल्दी बता, नहीं बताएगी तो मारूंगी नहीं, अच्छा तू किस लिए आई फिर, काम करने के लिए आई ना, तो क्या मैं नौकरानी बनने के लिए आई हूँ, अच्छा तू अपने घर का काम भी नहीं करेगी, हाँ या ना, शादी क्यों करते हैं, ताकि घर का काम करें, तो नौकरानी माँ बाप के लिए करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करेगी क्या, अब मेरे घर का मामले में खुद देख लो, लगा हाथ वाह भाई वाह, क्या बात, ये देख लो भाई घर की, घर चल, ये देखो बहू के कारनामे, और तेरे पति को भी बुलाता हूँ, आजा भाई लगा हाथ, मारना इसको, मार 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 और मार इसको, आज तेरी असलियत, मम्मी बैठो 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 बैठो, मार मार और मार, आज मेरी आंखें खुल गई, बैठो आप बैठो, रो मत, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ आंटी आप बैठो, आप चुप हो जाओ, बैठो तो सही, चुप हो जाओ आंटी आप, देख ले भाई 2 साल से तो ये कर रही थी मेरी माँ के साथ है, जैसा तुम देख रहे हो, इसलिए 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 शादी करी थी तेरे से, मेरी माँ को ये दिन दिखा रही है तू, जैसा तुम सोच रहे हो कुछ नहीं है, आज मेरी माँ ने मेरे को असलियत बताई है तेरी, तू ये कर रही है, ये गुल खिला रही है, बैठ इधर इधर बैठ, हाँ जी काम वाली चाहिए थी ना, काम वाली लगवा दूंगा, मगर ये मेरी माँ के साथ तू ये क्या कर रही है, ये सुलूप है, तुझे पता नहीं हो बीपी शुगर की पेशेंट है, अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही करती क्या तू, ऐसा कर रहा हूँ, 2-4 शर्म आनी चाहिए तुझे, तब तू क्या मर जा, चुप हो जाओ आंटी आप,
आ गया ना मेरी माँ बेचारी इतनी परेशान रहती है मेरे ऑफिस जाने के बाद ये गुल खिला रही है यहाँ पे ये कर रही है गिरगिट है भाई गिरगिट की तरह रंग बदल रही है अपने मुझे पता नहीं थी नहीं मेरे सामने तो मम्मी की मालिश कर रही थी आज मैं मम्मी का ये कर रही थी मैं ये कर रही है तू गला दबा रही है तू मालिश की बात कर रहा है सब झूठ अरे किस चीज की कमी रह गई थी काम वाली लगा देता मैं बोल तो सही एक बारी ये दिन दिखाना रह गया था बस तेरा और मैं अपनी माँ की बात पे विश्वास नहीं कर रहा कि नहीं कर सकती वो ऐसा नहीं कर सकती तूने भी तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करा मम्मी मेरे को नहीं मैं तो मैं अंधा हो गया था इसके प्यार में अगर तू मेरी बात पे विश्वास करता तो मेरे को ये दिन तोड़ना देखना पड़ता तू तो बाहर था चल ये तो मेरे साथ थी जाने के बाद मेरी माँ से तू क्या क्या करती थी मुझे पता है यहाँ काम करवा रही है तू रानी बन के बैठेगी है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है देख लिया ना वो तो मैंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं है मट्टी बंधी हुई थी आंखों पे आज देख लिया सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है गिरगिट की तरह रंग बदल रही है हाथ उठा रही है मेरी माँ पे है तो शर्म नहीं आ रही क्या नाम है तुम्हारा चुप हो जाओ मम्मी आप क्या नाम है मीनाक्षी ये देख लो भाई मीनाक्षी नाम की लड़की अपनी सास को मारती है पति जाता है जॉब पे और ये आयास किया और वहाँ पे देख लो मैडम जी वहाँ पे सामने देखो पूरी फिल्म बना दी आपकी आज सही है तेरे ऐसा की तो सच्चाई आनी चाहिए राज प्लीज वीडियो बंद करवा दो अब नहीं करूंगी नहीं क्यों बंद करवा दो यार अरे किस चीज की कमी रह गई थी जो तूने ये दिन दिखा दिया इसको मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और उसको ही तू ऐसा कर रही है होगा यकीन भाई आपका बहुत बड़ा मैं तो इस पे अंधा विश्वास करता था ये इसने मेरे सामने कभी ऐसी चीज नहीं करी कि मेरे को जरा सा भी लगे कि मेरी मम्मी के साथ इतना गलत हो रहा है अब जो ये वीडियो बनी है ना इसके घर वालों को दिखाना चाहिए ठीक है ये जो मैं तेरे को नहीं रखूंगा कहीं भी जा बस मेरी माँ और मेरी माँ रहेंगे ठीक है मम्मी यहाँ बैठो समझ में आ रही है मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है जो मेरी माँ को सुखी नहीं रख सकती उसका मैं अपने घर में नहीं रखूंगा जा निकल निकल सॉरी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं इस पे इतना आँख बंद करके विश्वास किया देख लिया भाई मुझ पे भी तो करना चाहते थे विश्वास धन्यवाद जो आपने आँख खोल दी मम्मी मेरे को नहीं पता था ये ऐसी लड़की है माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते तेरे बाहर रहने का क्या फायदा उठाया तूने देखा तूने तेरी माँ को कितना मारा पीटा क्या के घर में होता था मेरे घर तो बाहर बन गया था दारू पार्टी हो रही है गंदे गंदे काम हो रहे हैं मेरे घर में कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है घर है वो मम्मी मैं इसके प्यार में इतना अंधा हो गया था मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे को काम से फुर्सत नहीं मिलती थी नहीं कुछ भी हो भाई माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं ठीक है ये बात है ना सोच के चलो तेरे पापा ने कितने प्यार से बनवाया था घर मुझे पता है मम्मी आपके सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में मेरा कौन है तेरे सिवा मैं तेरे को ही तो बताऊंगी बेटा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दिखाया ये सब चलो कोई बात नहीं भाई जो ये वीडियो बनाई से कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई ये वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता हूं हां जी करो भाई इसके इसलिए सामने आनी चाहिए और कोई बता लगा जी कैसे पता कैसे तो चलना चाहिए तो गाइस मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहूंगा कि जो ऐसी पत्नियां होती हैं ऐसी बेटियां होती हैं उनसे बच के रहे सावधान रहे सतर्क रहे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय